हेलो व्यूवर्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका. आपका जो पेपर आएगा, एग्जाम पेपर, उसमें आपका फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो इसी तरह के होंगे. तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में चार पार्ट है, तो चारों पार्ट आपको इसी वीडियो में मिलेंगे. तो हम इसमें से पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2 tan 30 degree डिवाइड बाय 1 plus tan square 30 degree. चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करके बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है. तो पहला ऑप्शन है साइन 60 degree, सेकेंड इज कॉस 60 degree, टेन 60 degree और साइन 30 degree. प्रॉब्लम मैंने पहले से सॉल्व कर लिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ. तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें टेन 30 degree की वैल्यू पता होनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता तो आप इसको टेबल से देख सकते हैं. जैसे किस टेबल में, टेन 30 degree 1/√3. तो 1/√10 30 की जगह हम पुट करेंगे 10 30 1/√3. तो 10 30 degree की जगह हम पुट करेंगे 1/√3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे. तो न्यूमरेटर में 2 into 1/√3, तो 2 न्यूमरेटर से मल्टीपल हो जाएगा तो 2/√3, और डिनोमिनेटर में 1 as it is plus 1/√3 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है. तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज 2/√3, डिनोमिनेटर. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. ये दो अलग अलग टर्म है, इसको सिंगल टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 1 और 3 का एलसीएम 3. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. 3 और 1 का एलसीएम है 3. तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करेंगे, तो ये 3 plus 1 एज इट इज. नाउ 3 plus 1 4 हो जाएगा. तो ये डिवाइड का साइन है. डिवाइड में न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं. डिवाइड के साइन को मल्टीपल में चेंज करते हैं. तो मल्टीपल में चेंज करने से क्या होगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर. नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 से 4 2 टाइम कैंसिल. 3 को हम √3 into √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट सेम नंबर के रूट को मल्टीपल करने पर वही नंबर आता है. क्योंकि 3 की पावर 1/2, सेम 3 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड होके 1 हो जाती है, जो 3 की पावर 1. तो इस न्यूमरेटर √3 से डिनोमिनेटर √3 कैंसिल हो गया, तो लास्ट जो आंसर बचा वो √3/2. और √3/2 टेबल से चेक करेंगे तो √3/2 साइन 60 degree की वैल्यू होती है. कॉस 60 1/2, टेन 60 √3 और साइन 30 1/2. तो ये 3 वैल्यू इस आंसर को मैच नहीं करती है. सिर्फ आंसर ए साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है, इसलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन.